हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट में सबसे पहले बात भारत की। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच चुकी है। देखिए, ये संख्या आप कम कर सकते हैं लॉकडाउन में अगर सावधानी बरतते हैं। अब तक भारत में 1347 लोग जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। जी हाँ, और ये सबसे डराने वाली खबर है। हालांकि लॉकडाउन को अब भी 15 दिन बाकी है। भारत में दो राज्य केरल और महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। इसीलिए कल की तरह एक बार फिर से हम उस आंकड़े की तरफ हम चाहते हैं कि आपकी नजर जाए, जिससे कि आप समझ पाए कि इस वक्त देश भर के अलग अलग राज्यों में क्या हाल है। भारत में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 1300 के पार हो गया है। 1347 ये आंकड़ा जा चुका है। हर दिन बढ़ रहा है ये आंकड़ा। 97 अकेले दिल्ली में आ चुका है ये आंकड़ा। और अब भी महाराष्ट्र और केरल टॉप कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 238 यानी कि 238 और 234 केरल में। कुल मिलाकर जो भारतीय हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। शुरुआत में विदेशियों की संख्या ज्यादा थी। विदेशियों की संख्या आपके सामने 49। तो भारत में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं 1347 यानी कि 1347, जिनमें की 49 विदेशी हैं, बाकी सब भारतीय हैं। तो देखिए, बहुत सारे आंकड़े अब एक एक कर सामने आ रहे हैं और लगातार इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर कोरोना को धोना है, कोरोना से बचना है, तो आप अपने घरों में बंद हो जाइए। अहमदाबाद में कोरोना से ठीक होकर पहुंचे एक महिला का किस तरीके से स्वागत हुआ, ये तस्वीरें देखिए। कोई ताली बजा रहा है तो कोई शंख बजाकर स्वागत कर रहा है। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां लड़की कोरोना को हराकर वापस अपने घर लौटी है और उसके आसपास के लोग तालियों की गड़गड़ाहट और शंख बजाकर उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद जब ये लड़की घर पहुंची, तो लोगों को संदेश दिया ही, साथ ही डॉक्टरों की तारीफ भी की। मुझे कोई मैसेज देना है तो वो ये है कि आपको घर पे ही रहना है। आप सुरक्षित तभी हैं अगर आप घर पे हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको ये बीमारी लग जाती है तो आप बिल्कुल डरिए मत। आप या तो हेल्पलाइन फोन कीजिए या तो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। कोरोना पर जीत दर्ज करने वाली इस लड़की में 18 मार्च को कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के SVP अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन कोरोना से संक्रमित ये लड़की 10 दिनों में ही कोरोना को मात देकर अपने घर लौट आई। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। अब कोरोना के खतरे से जुड़ी इस खबर को हम आपको बताते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक जलसे में हजारों लोगों के शामिल होने से देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जी हाँ, कल से लगातार विकास, जब से देश ने ये खबर जानी पूरा देश हिला हुआ है। करीब 1400 लोग तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे दिल्ली में और 300 इसमें विदेशी थे। अब इनमें से कई लोगों की जांच हो रही है और कई लोग देश भर में फैल गए हैं। और ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस जमात में शामिल संक्रमित लोगों ने कितनों तक कोरोना का खतरा फैलाया। कोरोना पर देश को सावधान करते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसे शेयर कीजिए। कोरोना के बढ़ते खतरे से आगाह करती आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी जमात केंद्र में से निकल रहे उन लोगों की है जो कोरोना के संदिग्ध हैं, जबकि दूसरी तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में इन लोगों को बस के जरिए अस्पताल ले जाने की है। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। क्या आप लोगों की तबीयत खराब है? सर्दी है। अच्छा, कब से सर्दी है? अंदर में कितने लोग हैं? अंदर कितने लोग हैं? नहीं मालूम। आप कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। कितने लोग हैं अंदर? हरकत में कितने लोग हैं? क्या करने आए थे आप लोग यहाँ पे? क्या करने आए थे? जमात में आए थे। कब आए थे? एक हफ्ता हो गया। कितने लोग आए थे जमात में?
बहुत सारे लोग आए थे, विदेश से भी लोग आए थे। अच्छा, कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस केंद्र में करीब 1400 लोग आए, जिनमें से 300 विदेशी थे। विदेश से आने वाले ज्यादातर लोग मलेशिया और इंडोनेशिया के थे। ये लोग 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच कुआलालंपुर में हुए इस्लामिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। आशंका है कि विदेशी नागरिकों से कोरोना जमात में आए लोगों में भी फैला। इस पर्पस से यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हुए थे जिसमें विदेशी भी थे। देखिए, यहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग होती है और यहाँ कई जगह से लोग आते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल भर यहाँ चलता है। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो यहाँ प्रीचिंग के लिए आते हैं और उसके बाद में जो है वो यहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं। कोरोना के संक्रमण की चपेट में दूसरे लोग ना आए, इसके लिए इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जमात की इमारत के पास की गलियां संकरी हैं, इसलिए भी ड्रोन के जरिए नजर रखना जरूरी है। इसके साथ ही लोगों को संक्रमित इलाके में आने से रोका जा रहा है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली सरकार ने पुलिस को मरकज के संचालक पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हद दर्जे की लापरवाही, कोई कैसे अपनी जान, दूसरों की जान किसी जलसे के नाम पर इस तरह से लोगों को ताक पर रख सकता है? दिल्ली में कैसे इस जमात की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ा है, ये तो खैर आपने देखा, लेकिन ये खतरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जमात में देश भर से आए लोग शामिल हुए और यहाँ से लौटने के बाद कोरोना के वायरस को अपने साथ ले गए। और कहाँ कहाँ ले गए, देश भर में कहाँ कहाँ ये गए, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना से जान गंवाने वाले लोग इस जमात में शामिल हुए थे। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस देश के कई राज्यों में फैला। कोरोना की वजह से तेलंगाना में जिन 6 लोगों की मौत हुई है वो दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दिल्ली के तबलीगी जमात से फैला संक्रमण कश्मीर भी पहुंच चुका है। श्रीनगर में कोरोना से पहली मौत तबलीगी जमात के राज्य प्रमुख की हुई थी, जो दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल होकर 16 मार्च को श्रीनगर लौटे थे। 21 मार्च को उनमें कोरोना की पुष्टि हुई और 25 मार्च को मौत हो गई। उनके संपर्क में आकर 12 लोग संक्रमित हुए। श्रीनगर लौटने से पहले उन्होंने यूपी के कई शहरों के अलावा जम्मू का भी दौरा किया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 854 लोग किसी न किसी तरह से इस केंद्र के संपर्क में रहे। प्रशासन अब इन लोगों की पहचान में जुटा है। दिल्ली में तबलीगी जमात में जुटी भीड़ ने कोरोना वाहक का काम किया। आंध्र प्रदेश में गुंटूर के विधायक मुस्तफा शेख के भाई भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। विधायक समेत परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटाइन में रखा गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का इलाज करा रहे पेशेंट नंबर 10 भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि किसी भी राज्य में कोरोना पेशेंट की पहचान उसके नंबर से होती है, मतलब पेशेंट नंबर 10 उस राज्य में एक ही होगा। आंध्र प्रदेश के पेशेंट नंबर 10 के संपर्क में आने से पेशेंट नंबर 14 और 15 को भी कोरोना हुआ। जानकारी के मुताबिक पेशेंट नंबर 10 निजामुद्दीन में 20 लोगों के साथ थे। 18 मार्च को वो दुरंतो एक्सप्रेस से गुंटूर लौटे थे। अब न जाने ट्रेन में कितने लोग इनसे संक्रमित हुए होंगे। इसके अलावा पेशेंट नंबर 16 भी दिल्ली से लौटे थे। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में तमिलनाडु से भी लोग आए थे। अब तक 981 लोगों में से 16 संक्रमित पाए गए हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो या तो दिल्ली आए थे या फिर जमात में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के संपर्क में रहे। यूपी में भी एहतियातन इस कार्यक्रम में शामिल लोगों की पहचान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों ने कितने सारे लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तबलीगी जमात आखिरकार है क्या, तो उसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं ताकि आपको समझा सके कि तबलीगी जमात होता क्या है। देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, करीब 1400 लोग इकट्ठा हुए। मुस्लिम धर्म प्रचारकों का 100 साल पुराना संगठन है तबलीगी जमात। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने इसकी स्थापना की थी 1926-1927 में। जमात के सदस्य दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं
और इसी के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इसका केंद्र है, यही वजह है कि देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और इसके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो बहुत आसानी से हमने आपको समझा दिया कि तबलीगी जमात आखिरकार होता क्या। जी हाँ, बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि इसी जमात पर आरोप लग रहे हैं कि पूरे देश में इसने कोरोना के कई संक्रमण मरीजों को बांट दिया है। कोरोना की वजह से हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, ये बात सही है। और ये कहा भी जा रहा है कि जितना दुनिया 9/11 के बाद नहीं बदली, उतनी शायद कोरोना के बाद बदल जाएगी। इंसान जो सोचता भी नहीं था, अब वो उसे करना पड़ रहा है। देखिए, विकास और कुमकुम किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक कहानी आई है, आप देखिए और महसूस कीजिए कोरोना के इफेक्ट को। चार दिनों में 450 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर ड्यूटी ज्वाइन करने वाले ये हैं राजगढ़ पुलिस के जवान दिग्विजय शर्मा। वजह क्या है सुनिए। मैं 16 तारीख को 7 दिवस के अवकाश पर अपने गृह जिले इटावा में गया था। लॉकडाउन होने से सभी आने जाने के साधन बंद हो गए, तो व्हाट्सएप पे हमने देखा अपने साथियों को ड्यूटी करते हुए, मुझे भी अच्छा नहीं लगा घर पे। 25 मार्च को अपने घर इटावा से पैदल चल दिया। इटावा से राजगढ़ तक का सफर पैदल तय करने के बाद हवलदार दिग्विजय के पैर सूज गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। यहाँ उपस्थित हुए तो साथी जो पुलिसकर्मी है उन्हें देखकर बड़ा गर्व महसूस हुआ, उनका बहुत सम्मान किया। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने मोटिवेटेड और इतने सहनशील युवक हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं और हम इस तरह की पुलिस का हिस्सा है, इस वर्कफोर्स का हिस्सा है। मुंबई के मलाड में बच्चों ने गुल्लक तोड़कर जरूरतमंदों की मदद की। वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त हर एक हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ता है बहुत जरूरी होता है, तो संकट की इस घड़ी में छोटी सी मदद लॉकडाउन को सफल बना सकती है। देखिए, बच्चों का गुल्लक तोड़ना कितने बड़े मोह को तोड़ देने जैसा है, क्योंकि गरीब परिवार के लिए तो बच्चों के लिए और भी मुश्किल बात है। गरीब परिवार का राशन का इंतजाम करने की वजह से सामाजिक दूरी के नियम भी तोड़े जा रहे हैं। मुंबई के मलाड के रहने वाले बच्चों ने गरीबों की मदद के लिए गुल्लक को तोड़ दिया। गुल्लक के पैसों से 800 जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन का इंतजाम किया। उसमें तेल है, आटा है, शक्कर है, चाय है, मीट है, नमक है, दो प्रकार की दाल है और लोट भी है। बिल्डिंग के बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम सपने पॉकेट मनी जमा करके भी हम जितना कर सके उतना कर पाए। यह हमने टोटल 800 पीपल को अभी तक पहुँचाया है और हम लोग आगे भी पहुंचाते रहने की कोशिश करेंगे। गरीबों के भूख का इंतजाम होगा तो लोग लॉकडाउन के नियम का पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण का खतरा कम होगा। कोरोना से बचना है तो जहां है वहीं रहो, बाहर मत निकलो, लेकिन कमाई के लिए दूसरे देश प्रदेश में पड़े लोग ऐसा नहीं कर रहे, वो अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। और देखिए, मुश्किल यही है, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लोगों को इन पर दया भी आ रही है जो लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग इस भीड़ की तुलना भारत के विभाजन से भी कर रहे हैं, सरकार को दोष भी दे रहे हैं कि बिना इंतजाम के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। देखिए, बहुत सारे इसके पीछे तर्क है, हम किसी एक तर्क पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए जो नाम हमने इस खबर को दिया है सड़क वाले बेचारों की करतूत दिया है। हम बेचार भी लिख रहे हैं और करतूत भी लिख रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन के पीड़ितों के लिए रुकने खाने का इंतजाम किया है, पर वहां कोई आने को, रुकने को, खाने को राजी नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कोरोना की दहशत, लॉकडाउन और पलायन के संकट के बीच रैन बसेरों की तस्वीरें देखिए। यहाँ पलायन करने वालों के ठहरने के पूरे इंतजाम है, खाना है, पीना है, सोने की जगह है, लेकिन पलायन करने वाले लोग यहाँ नहीं रुक रहे। इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इन रैन बसेरों पर पहुंची। सबसे पहले बात दिल्ली के कस्तूरबा नगर में कम्युनिटी सेंटर के इस शेल्टर होम की। यहाँ 135 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, साफ सफाई के बीच खाना पकाया जा रहा है। तमाम कोशिश के बाद भी यहाँ सिर्फ 35 लोग ही रुके हैं, जबकि दिल्ली की सड़कों पर हजारों की भीड़ पैदल चल रही है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई कि उन लोगों को ला करके ऐसे रैन बसेरों में आश्रय गृह में रखा जाए। डूसिप का कम्युनिटी सेंटर है कस्तूरबा नगर का रैन बसेरा, यहाँ पर भी लोगों को लाया गया था। लॉकडाउन से डर सा रहे थे और उन्हें घर जाने की जल्दी थी,
तो जैसे ही वो आया और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे। दिल्ली के गाजीपुर के इस सरकारी स्कूल को देखिए, कोरोना संकट काल के बीच इसे रैन बसेरे में बदल दिया गया है। बसों में भरकर लोगों को यहां लाया जा रहा है। लोगों के सोने के लिए क्लासरूम में बिस्तर और कंबल का इंतजाम है। लेकिन फिर देखिए कैसे लोग हाथ जोड़ अपने गांव वापस जाने की गुहार लगा रहे हैं। नहीं हम नहीं साहब जा, मेरे में बहुत परेशान है, वो बिकता है, नहीं साहब वो बिकता है। लेकिन इस बीच कुछ लोग इस शेल्टर होम में प्रशासन के इंतजाम से खुश नजर आए। गद्दे आपको दिखाई देंगे, तकिया आपको दिखाई देंगे, भारी संख्या में यहाँ पर जो लोगों के लिए रखवाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हर ये मैं जो अभी आपको जहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये कक्षा है, ये क्लासरूम है, जिसको अब रैन बसेरा में जो है तब्दील करा दिया गया है। यहाँ पर एक एक मीटर की दूरी पर जो है सारे बिस्तर लगाए गए हैं। तो यहाँ मैम व्यवस्था तो सही है, खाना पीना मिल रहे हैं, टाइम से सही से मिल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने इस रैन बसेरे में भी दिखी। यहाँ भी लोग आ तो रहे हैं लेकिन बस खाने के लिए। फिलहाल जो लोग नजर आ रहे हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे हमेशा ही रहते थे, जो मजदूर आकर रुक रहे थे, वो लगातार रुकने के बाद खाना खाने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। देखिए प्राय वाले लोग आते हैं, खाना फ्री कर रखा है, खा के चले जाते हैं, रुक कोई नहीं रहा। कोरोना का खतरा मरीजों से लेकर डॉक्टरों तक भी पहुँच रहा है। जी हाँ, इसीलिए लगातार हम इस खबर को जो हमने नाम दिया है वो ये दिया है कि देवदूतों पर किस तरह से कोरोना का ग्रहण बन गया है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन करना पड़ गया। आपको ऐसे में समझने की जरूरत है, जो आपकी सेवा में दिन रात जुटे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको इस बीमारी से बचाने के लिए। चंडीगढ़ में कोरोना से 13 लोग संक्रमित हैं, पूरे देश में संख्या 1347। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर और इमरजेंसी वार्ड के 36 पैरा मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। क्वारंटाइन करने की वजह पीजीआई में भर्ती एक मरीज है जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों के लिए कोरोना कैसे खतरा बढ़ा रहा है इसकी तस्वीर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में दिखी, जहां डॉक्टरों के पास पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट ही नहीं थी। Hospital authority regarding the PPE kit to fight against coronavirus, we are right now doing emergency duty and we were told that you people don't need PPE kits because we are working in gynae department. So in gynae department, coronavirus attack is not going to occur, and when these residents, they asked for PPE kit and when I asked for PPE kit, we were provided with these transparent kits just as placebo so that we may keep our mouths shut and work in emergency department without any complaint. So we all know that corona has entered this stage, and even though we don't have PPE kit, if we get infected then we can spread through widely. हम लोग ऐसे सैनिक हैं जो इस वॉर में बिना हथियार के लड़ रहे हैं। बस बेसिक सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को N95 मास्क अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। बहुत बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। सिर्फ पटना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर भी कोरोना से बचाने वाले सामान की कमी से जूझ रहे हैं। पीपीई किट नहीं पहनने की वजह से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने वाले 6 डॉक्टरों और 4 नर्सों को क्वारंटाइन करना पड़ा। पीपीई किट सभी डॉक्टरों को दिया जाना चाहिए, लेकिन किट की कमी की वजह से ये सिर्फ कोरोना वायरस का केस देख रहे डॉक्टरों को ही दी जा रही है। अच्छी खबर भी जान लीजिए, यही है इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की मांग कम होने के बाद इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आ गई है। अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल की कीमत $20 प्रति बैरल हो गई है। इससे पहले 18 साल पहले फरवरी 2002 में कच्चे तेल की कीमत करीब $19 प्रति बैरल हो गई थी। तो देखिए अच्छी खबर ये है कि 20 साल पुराने दाम पर पहुंच गए हैं पेट्रोलियम पदार्थ, और इसलिए हम कह रहे हैं ये अच्छी खबर है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट की वजह से पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, आम लोगों की पहुंच में पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार अगर अपना जो रेवेन्यू है उसको कम करने को राजी हो, ये फायदा आपको तभी मिल पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग गिरी है और दाम गिरे हैं, मांग तो खैर जबरदस्त गिरी है क्योंकि सड़कों पर तो गाड़ियां चल ही नहीं रही है। अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज और राजस्थान के जोधपुर
वहाँ ले चलते हैं हम आपको, बड़ी कमाल की कहानियां बताते हैं जो आपके लिए बड़े काम की है। बड़े काम की खबर जब भी विकास बताते हैं तो चेहरे में हल्की सी मुस्कान की आ जाती है। अभी मुस्कुरा दिए तो समझ लीजिए सच में काम की खबर है। दो शादियां जिन्होंने देश को सिखाया कि मुश्किल वक्त में अपनी खुशियों का संतुलन समाज की भलाई के लिए आपको कैसे बनाना है। वो कहते हैं ना, गुड डीड शुड बी डन विद इंटेंशन नॉट फॉर अटेंशन, बिल्कुल सही कहते हैं और उसी से जुड़ी हुई कहानी अब आपके सामने हम लेकर आए हैं। शादी की दो तस्वीरें भले ही दो अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है कि देश को कोरोना से बचाना है। पहली तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, जहां दूल्हा दुल्हन कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क पहनकर शादी के मंडप में बैठे हैं। यही नहीं, शादी में सिर्फ दो बाराती और परिजन ही मौजूद रहे और शादी काफी साधारण तरीके से सम्पन्न हुई। और मेरी शादी है ना, रीति रिवाज के अनुसार हस्बैंड को घी पिलाने की वजह से शादी होनी जरूरी थी, तो है ना हस्बैंड और उनके साथ एक उनका फ्रेंड आया और शादी की नॉर्मल तरीके से शादी की। दूसरी तस्वीर यूपी के कन्नौज की है, जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए दूल्हा और दुल्हन लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग अपने घर पर रहे, कोरोना को हराना है तो सभी लोग लॉकडाउन का समर्थन करें, कोरोना एक बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचें। और अब बात करते हैं कोरोना के संकट काल में दानवीरों की। जी हाँ, दानवीरों की जब बात होती है तो उसमें उद्योगपति तो लगातार शामिल है ही, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियां भी बढ़ चढ़कर देश के मुश्किल वक्त में दान देकर अपना फर्ज निभा रहे। और आइए आप दिखा देते हैं हम आपको कि ये कौन कौन हस्तियां हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये कौन कौन सी हस्तियां हैं जो दानवीर बनी हुई हैं कोरोना की इस लड़ाई में और मुक्त हस्त से दान कर रहे हैं। देखिए, कोरोना के दानवीर में सबसे ऊपर हैं आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। 3 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिए। तो देखिए, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर हैं बाबा रामदेव, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए दान दिए। 25 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। सानिया मिर्जा ने कितना दिया है? 1.25 करोड़ रुपए। तो कोरोना के दानवीर है सानिया मिर्जा ने करीब 1.25 करोड़ रुपए दिया। नाना पाटेकर ने 50 लाख रुपए कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में दान दिए हैं। तो आपने विराट कोहली देखा, अनुष्का शर्मा देखी, बाबा रामदेव देखे, और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दान दिए हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं इन्फोसिस ने 100 करोड़ रुपए, इन्फोसिस ने भी दान किए हैं। और आपको आगे दिखाते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने मिलकर, जो उनका पूरा कॉर्पस है, उन्होंने मिलकर दान किए हुए हैं। शिरडी के साईं बाबा ने 21 लाख रुपए दान किए हुए हैं, कोरोना के दानवीर हैं। और मंदिरों की तरफ से भी दान मिल रहा है। चिराग पासवान ने 2 महीने का वेतन दान किया है। तो ये देखिए, तमाम जो सांसद निधि से पैसा दे रहे हैं, उसके अलावा तमाम सांसद हैं, उन्होंने अपने वेतन से भी दान दिया है। इसके अलावा तमाम ऐसे सांसद भी हैं, सी आर पाटिल हैं, नवसारी से सांसद हैं, उन्होंने अपनी सैलरी के अलावा अपनी जेब से भी 1 करोड़ रुपए सरकार को दान दिया है सांसद निधि के अलावा। मैं देख रही थी विकास, आपके ट्विटर पर कई लोगों ने आपको टैग करके 75 रुपए 80 रुपए भी दान किया, क्योंकि उनकी हैसियत उतनी ही थी। लेकिन ये हैसियत की बात नहीं है, ये नियत की बात है। वाकई किसी ने 1 करोड़ दान दिया वो भी अच्छी नियत है, किसी ने 1 रुपया दान किया तो वो भी अच्छी नियत है। अब कहानी मध्य प्रदेश और भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर की। जी हाँ, इंदौर की बात कर लेते हैं। यूं तो कोरोना को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंदौर की छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन आमतौर पर शहर जो है वो अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। पर अब एक रंगोली इंदौर की बिगड़ी छवि को बनाने का काम कर रही है। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाती इस अनूठी रंगोली को देखिए, जिसके जरिए लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। साथ ही भगवान से दुआ भी की जा रही है कि वे कोरोना वायरस से धरती को बचाएं। 7 रंगों से बनी ये अनूठी रंगोली मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली कलाकार वर्षा सिरसिया ने बनाई है, जिसके जरिए वो कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क और जागरूक करना चाहती है। रंगोली का उद्देश्य मेरा ये है कि जिस तरह मोदी जी ने हमें मतलब समझाया है कि कोई रोड पर ना निकले, तो सब उनकी उनका सहयोग करे और आगे मतलब घर से बाहर ना निकले। कोरोना के संक्रमण से इंदौर में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित भी है। ऐसे में वर्षा की बनाई रंगोली से लोगों को सबक लेना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अगली खबर है अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। अमिताभ बच्चन से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे घरों में चमक रहे हैं। घरों में चमक रहे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सितारे अमूमन अपने सिनेमा घरों के जरिए लोगों के दिलों में चमकते हैं, लेकिन सब इन दिनों घर पर हैं। लेकिन बिहार की तस्वीर तो कुछ अलग है। बिहार के सुपौल में सितारे शूटिंग के लिए सड़क पर उतर गए, भीड़ जमा हो गई। कोरोना के खतरे और कानून से कोई डर नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं बिहार में घर बात कौन बात का डर बा। देखिए ये बिना डरे समाज को खतरे में डालने वाली कहानी कमाल की भी है और आपके काम की भी। कोरोना संकट काल के बीच जब पूरा देश बिना ताले के घर में लॉक है, तब बिहार के सुपौल में जुटी इस भीड़ को देखिए। यहाँ भोजपुरी फिल्म इश्क दीवाना की शूटिंग चल रही थी। इसकी खबर लगते ही लोग कोरोना का डर भुलाकर अपने घरों से निकले और शूटिंग देखने की भीड़ में शामिल हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि भोजपुरी फिल्म से जुड़े इन कलाकारों को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों की। इसीलिए तो दुनिया में फैली महामारी से इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये तो बस शूटिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। साइलेंस, कैमरा। गांव में शूटिंग की खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे, कैमरे को जब्त किया और शूटिंग को रुकवा दिया। कल शूटिंग करते पकड़ा गया है, तो गंभीर है, हम देख रहे हैं कहां पर हुआ है, कैसे हुआ। कोरोना की वजह से बिहार में भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। राज्य के सभी शॉपिंग मॉल, स्कूल, थिएटर, रेस्टोरेंट बंद है। लोगों को घरों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में काम बंद है, पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन बिहार में इश्क दीवाना की शूटिंग चल रही है। अब ना जाने ये फिल्म इश्क दीवाना रिलीज कब होगी, लेकिन उससे पहले कोरोना कितनों को बांट देगी। अब अगली कहानी भी बिहार की ही है, लेकिन ये कहानी यहाँ हो रही किसानों को परेशानी बताती है। हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जो आपका हमारा पेट भरते हैं। इस कहानी में कुछ किसान हैं, उनके खेत हैं, लहलहाती फसलें हैं। देखिए, लॉकडाउन का असर सभी पर हुआ है, जाहिर तौर पर किसान पर भी इसका असर हुआ है, लेकिन फिर भी किसान परेशान है। देखिए और समझिए आखिर क्यों। पटना से 40 किलोमीटर दूर नौबतपुर का रामपुर भेलूरा गांव, गेहूं की बालियां पक चुकी हैं, फसल काटने के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसान मजबूर है। एक ये जो फसल है आपका, ये जो गेहूं है, ये किस तरह से बर्बाद हो रहा है और कितने दिनों में अगर ये नहीं कटा तो क्या स्थिति होगी? सर, पहले तो प्राकृतिक आपदा के कारण ये बर्बाद हो गई है, देख रहे हैं सब सूत गया है। अब ऊपर से ये लॉकडाउन के वजह से न काटने के लिए मजदूर मिल रहे हैं और न हार्वेस्टर के से कटिंग के लिए ड्राइवर मिल रहे हैं, जिस कारण बर्बादी के कगार पर भी एक हफ्ता 10 दिन में अगर नहीं कटेगी तो फिर किसान भूखे ही मरेंगे। अमरकांत को मजदूर नहीं मिल रहे, गेहूं खुद काट रहे हैं। गेहूं काटने की मशीन हार्वेस्टर भी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर नहीं आ पा रहा। रामेश्वर प्रसाद जानवर पालते हैं, दूध बेचते हैं, पर गेहूं न कटने से ये भी चिंतित हैं। सोच रहे हैं गेहूं से निकलने वाला जानवरों का चारा यानी भूसे का इंतजाम कैसे होगा। सूखा चारा में निवारी जो है उसी का चारा है, उसकी कीमत पिछले साल या उससे पिछले साल में 200 रुपये मन था और आज के डेट में सर वो 400, 600, 800 रुपये मन है। जैसा आती है वैसा मिल रहा है, उससे किसान को बड़ी अथी हो रही है, जानवर को भी खिलाने में तकलीफ हो रहा है। अब जिसको एक अथी देना चाहिए था एक मन कुट्टी खिलाने के लिए, उसमें आधा मन या पौन मन पर ही काम चला रहा है। एक आदमी को औसत 15 दिन के लिए 2.25 किलो चावल, 2 किलो आटा, 450 ग्राम दाल, 426 ग्राम खाद्य तेल की जरूरत मानी जाती है। इस तरह 4 लोगों के एक परिवार को लॉकडाउन के अगले 15 दिन के लिए 9 किलो चावल, 8 किलो आटा, 1.8 किलो दाल, 2 लीटर खाद्य तेल की आवश्यकता होनी चाहिए। रबी की फसल यानी जौ, चना, मसूर, सरसों और गेहूं या तो कट चुके हैं या फिर कटने के लिए तैयार हैं। गेहूं रबी सीजन की मुख्य फसल है। पिछले साल देश में गेहूं का उत्पादन
1021 लाख टन हुआ था। इस बार गेहूं का उत्पादन 1091 टन होने की उम्मीद थी, लेकिन बीते 20 दिनों में हुई बारिश और अब गेहूं की कटाई में देरी के चलते गेहूं और चने की फसल में करीब 45% फसल खराब होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर लंदन से है। विजय माल्या ने ट्वीट किया है और कोरोना संकट के बीच भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके कोरोना संकट के दौरान ही विजय माल्या ने एक नई चाल चली है। ट्वीट में उसने लिखा है, मैंने कई बार पैसे लौटाने की बात कही है, बैंक बकाया पैसे लेने को तैयार नहीं है। विजय माल्या ने अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि वे वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं कि उनके जो पैसे लौटाने की मंशा है उस पर बैंक आगे कार्रवाई करे। तो कोरोना संकट के बीच माल्या ने चली है नई चाल और वो ये कह रहे हैं कि हम तो तैयार है 100% पूरी तरह से जो पैसा मैंने लिया है बैंक से वापस लौटाने के लिए, बैंक है कि लेने को तैयार नहीं। इतने मासूम तो नहीं है माल्या साहब, मतलब जब भगोड़े हो गए हैं, केस चल रहा है और पता है कि कोई रास्ता नहीं है विकास, तो कितनी मासूमियत। लेकिन मुझे लगता है ना कि कई बार विजय माल्या ये बात बोल चुके हैं, पैसे लौटाना चाहते हैं एक किस्त में, दो किस्त में या तीन किस्त में, तो इस पर आगे कार्रवाई होनी भी चाहिए। बार बार अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा शंका भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इतिहास गड़बड़ है इसलिए सवाल तो उठेंगे। तो देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर निजामुद्दीन से आ रही है। निजामुद्दीन इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं वहां पर हमारी सहयोगी आजातिका है, उनसे बात करते हैं। आजातिका, क्या अपडेट है, आप मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल विकास, आपको बताएं कि इस वक्त हम लोग निजामुद्दीन दरगाह के पास ही मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरगाह की हैं, ये मरकज इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पर हुआ करता था। इसी बिल्डिंग के अंदर विदेशों से आए लोगों को धर्म प्रचारक के रूप में ज्ञान दिया जाता था, इस्लाम धर्म की यहाँ पर जो ज्ञान है वो दिया जाता था और तबलीगी जमात के यहाँ पर लोग हुआ करते थे। और करीबन 100 से भी ज्यादा जो है संदिग्ध बताए जा रहे हैं कि फिलहाल अभी भी मौजूद हैं और उन्हें लेने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और जो बाकी स्टाफ है उनकी बड़ी टीम है जो लगातार कोशिश कर रही है उनको बाहर निकाले। और देखिए दूसरी तरफ मैं आपको बसों की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ जहाँ पर जिन लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है दरगाह से, उनको इन बसेज में फिलहाल बिठा दिया गया है। 3 बसेज हैं, एक 30 नंबर की बस दिखाई दे रही है, 29 नंबर की और 28 नंबर की, ये 3 बसेज आपको दिखाई देंगी। बॉडी सूट पहनकर आपको कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर दिखाई देंगे जो इन लोगों को बसेज में बिठा रहे हैं। जी देखिए पीछे वाली एक बस है, हालांकि इसमें जिन लोगों को बिठाया भी गया है ये कई सारे संदिग्ध हो सकते हैं कोरोना के, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखनी चाहिए थी, लेकिन सभी लोगों को आसपास बहुत ही एक साथ बिठाया गया है, कोई डिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताएं कि जिन लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी, तालीम दी जा रही थी, उनमें से कई लोग चाइना के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के, सऊदी के, इंग्लैंड के, अफगानिस्तान और मलेशिया के। और चाइना में जिस तरह से स्थिति रही है, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जिस तरह से कोरोना वायरस का इंडेक्स रहा है, नंबर्स रहे हैं, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद भयावह हैं। इसी के साथ में 10 लोग जो हैं उन लोगों की यहाँ से ही जो तालीम लेकर आजादी का, बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वहाँ इस वक्त कोरोना का भयानक संकट है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।